यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबसे पहली बात, आज 13 अप्रैल है, एक बैसाखी का त्यौहार भी है। और यहाँ इस त्यौहार को यहाँ पे जंगल में बहुत ही खूबसूरत जगह में मनाने आए हैं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बैसाखी सबको हमारी तरफ से। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं लाल द्रमन। यहाँ से हमारे डेस्टिनेशन कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से अभी हमें 1 घंटे का रास्ता है, जो कि लाल द्रमन आज बैसाखी के दिन पे जा रहे हैं। और हम अभी जो है सामान लेके जा रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं, अभी हम कुछ सामान भी लेकर जा रहे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्लेट्स, ये देखिए प्लेट ले रहे हैं, ग्लास ले रहे हैं, चम्मच ले रहे हैं और कढ़ाई ले रहे हैं। इसमें हम कुछ यमी यमी बनाएंगे, यहाँ पे मैगी वगैरह बनेगी, और साथ में हमने खेलने के लिए वॉलीबॉल भी लिया है। हो सकता है आज दिन का जो शुरुआत होगी बहुत अच्छी सी होगी, और ये ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और हम अभी शुरू करने वाले यहाँ से, और हमने ये टॉवल भी साथ में रखा है, जब हम कुछ खाएंगे तो उसके बाद हम हाथ साफ करने के लिए रखा है। और बाकी जो चीज़ें हैं और दुकान से जब लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आगे ब्लॉग को देखते रहेंगे। तो फाइनली हम अपने घर से बाहर निकल चुके हैं और आकाश जी हमारे साथ में है। तो आज हम इंजॉय करेंगे। यहाँ से हमारी जो डेस्टिनेशन है कम से कम कोई होगा 2 से 3 किलोमीटर, और हम आपको आगे, आकाश जी निकल चुके हैं और हम आज जाने वाले हैं कहाँ? लाल द्रमन। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो हेलो गाइस, 5 मिनट का टाइम हमें लगा यहाँ तक पहुँचने में। आकाश जी बताएंगे हम कहाँ पहुँचे। अभी पहुँच चुके हैं शंगड़ा में। हमें घर से यहाँ तक टोटल 5 मिनट लगे हैं, और आप देख सकते हैं हम एक ऐसी जगह पे जो बहुत बड़ा पत्थर है, ये पहले से है। तो हम अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हम कुछ समय यहाँ पे विश्राम करेंगे और फिर हम इधर से निकलेंगे गो टू लाल। हेलो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं बाजारनी बस स्टैंड पे, जहाँ पर बाजारनी का बस स्टैंड है। और ये आपको शॉप दिख रही है यहाँ पर, यहाँ से हम थोड़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह कैरी करके ले जाएंगे साथ में, क्योंकि ऊपर ऐसी कोई शॉप वगैरह तो है ही नहीं। देख सकते हैं, चलिए देखते हैं क्या लेने वाले हैं हम यहाँ से। आकाश जी कुछ यहाँ से कोल्ड ड्रिंक वगैरह कैरी करने वाले हैं। आकाश जी क्या क्या ले रहे हो यहाँ से आप? देखो यहाँ से कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, माउंटेन ड्यू, और इसके बाद लेंगे सोया कटोरी, और लेंगे जनाब कुछ लेंगे, मुझे लगता है कुछ नमी हमें लेना पड़ेगा, कुछ चीनी लेनी पड़ेगी, बाकी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। और आप सभी लोग इस ब्लॉग में मज़े से इस ब्लॉग को देखेंगे, और आगे जो व्यू देखेंगे वो बहुत अदृश्य व्यू होगा। और अभी हम आपको नाग भी दिखाएंगे, जो बजारने के बीच गाँव में जो है नाग जो है निकलता है, जो बहुत ठंडा ठंडा पानी। पहुंच चुके हैं बाजारनी के चक्रा में, यहाँ पर एक मंदिर है मलोट देवता का, तो यहाँ पर थोड़ा माथा वगैरह टेक लेंगे। सांस काफ़ी फूल रही, क्योंकि काफ़ी सारी चढ़ाई थी नीचे से जहाँ से हम आए। हमारी डेस्टिनेशन अभी बहुत दूर है, तो ये रास्ते में एक बाजारनी पंचायत के अंदर ये एक गाँव चक्रा के नाम से ये एक विलेज है, तो वहाँ अभी हम उस वक्त मौजूद इस मंदिर में आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम थोड़ा इसमें माथा वगैरह टेक लेते हैं। नमस्कार, देख सकते हैं अभी हम पहुंच चुके हैं मलोट दादा के घर में। ये हमारा कुल देवता है, जो चक्रा में स्थान है इसका। और इसके बाद जो मैन मलोट दादा जो हैं हमारे, वो लाल द्रमन में ही बसते हैं। तो अभी हम कुछ पहले ये अभी ये टेकेंगे, यहाँ देख सकते हैं मंदिर है, और हम कोशिश करेंगे अंदर दिखाने का आपको। कोशिश कर रहे हैं मंदिर दिखाने का, देख सकते हैं ये अंदर आप, ठीक है। तो गाइस अभी हमने ये पीछे जो हिजान एरिया क्रॉस करने के बाद आपको हम दिखाना चाहेंगे, सामने वो है लाल द्रमन, अभी वहाँ पर जाना है हमको। वो सामने लाल द्रमन आपको दिख रहा होगा, वहीं जाकर हम आपको दिखाएंगे, वहाँ की जीप से आपको रूबरू करवाएंगे। और ये जो पीछे है हमारे
अभी हम यहाँ से आए पीछे से ये सजान का। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं कि कुछ समय के बाद यहाँ से रोड निकलने वाला है और रोड पुल मशीन की आवाज़ हमें आगे सुनाई दे रही है, मतलब अगले साल यानी कि आपको इन गर्मी में जून जुलाई तक रोड लालगढ़ में पहुँच जाएगी। बेस्ट विशेज। सो गाइस, अभी हम कहाँ पहुँचे चुके हैं? लाल दमन। गाइस, कुछ ही लम्हों के बाद आपको हम दिखाने वाले हैं खूबसूरती यार की। अब हम थोड़ी देर आपको सामने वाला दृश्य हम आपको दिखाएंगे, बस चंद लम्हों का आपको करना होगा इंतजार। फिर मिलेंगे लाल दमन की वादी। हम दिखा लेते हैं आपको, थोड़ा सीन दिखा लेते हैं यहाँ का। ये आप देख सकते हैं वो मंदिर को, आपको हमारे कुल देवता का मंदिर है और बहुत ही फेमस जगह है। इस ब्लॉक में आपको हर एक चीज दिखने को मिलेगी। यहाँ पर हमने थोड़ा लाइट का प्रोग्राम किया और मैगी वगैरह बना रहे हैं यहाँ पर, तो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप भी देख सकते हैं, ये आकाश जी थोड़ा मैगी फ्राई कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए हमारा अभी आज का प्रोग्राम शुरू हो चुका है मैगी का। हम प्याज को भून रहे हैं और ये लाल रमन की बाटी में ये है, अभी हम मैगी बनाएंगे। ये बच्चे कुछ खा रहे हैं यहाँ पर, चिप्स वगैरह आप देख सकते हैं।